नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेबर कार्ड बनवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला आया सामने। ठगी के शिकार लोगों ने थाना में दिया आवेदन। कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षा आयोजित करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना TMBU। कुलपति ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। नाथनगर में आभूषण साफ करने के बहाने महिला से जेवरात लेकर फरार हुआ बदमाश, दो गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन परिसर में कोविड केंद्र का हुआ शुभारंभ। डीएम ने कहा, आवागमन करने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। और जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में मजदूरों को श्रमिक कार्ड बनाकर देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। जागरूकता के अभाव में करीब 200 से अधिक श्रमिकों से योजना घर नामक NGO ने प्रति व्यक्ति 250 रुपए की ठगी की है। लोगों ने आरोप लगाया कि योजना घर के नाम से संचालित संस्था ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाकर फर्जीवाड़ा किया और गरीबों से राशि की वसूली की है। वहीं बबरगंज थाना क्षेत्र के हरिजन टोला में ठगी के शिकार हुए लोगों ने बुधवार को ठाकुरबाड़ी में एकजुट होकर योजना घर के फाउंडर मानव केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और श्रमिकों को रसीद नहीं देने का आरोप लगाया। बीना देवी ने बताया कि कुछ माह पूर्व मानव केजरीवाल और उनकी टीम ने जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की बात कहकर शिविर लगाया और राशन कार्ड से लेकर लेबर कार्ड घर बैठे बना दिए जाने की बात कही। इस दौरान महादलित परिवार के दर्जनों लोग मानव केजरीवाल के झांसे में आ गए, जिसके बाद संस्था से जुड़े लोगों ने पैसा उगाही का काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों में लेबर कार्ड घर पर पहुंचा दिए जाने की बात कही। वहीं समाज सेविका नीलम देवी एवं गुंजन झा ने फर्जीवाड़ा करने की शिकायत बबरगंज पुलिस से की है। साथ ही जिला प्रशासन को संयुक्त आवेदन देकर गरीबों का पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई है। यहाँ पे मानव केजरीवाल आए थे कि योजना घर के द्वारा हम लोग को, यहाँ जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनका लेबर कार्ड बनाया जाएगा और वो बहुत सारी सुविधाओं के साथ लेस होगा, जिसमें 2-2 हज़ार रुपया सरकार का आ रहा है। बहुत सारे अगर आपके बच्चे बड़े हैं, पढ़े हैं, स्मार्ट हैं, तो उनको भी सुविधाएं दी जाएगी, जिसके कारण हम लोग उनको सहयोग किए और यहाँ के सारे लेबर क्लास के लोग आप देख ही सकते हैं बहुत ही निम्न स्तर के हैं। वो लोग मतलब कितना जुगाड़ करके लोग पैसा जुटाए होंगे, 250-250 रुपया दे करके वो लेबर कार्ड बनवाया, ये कह करके कि आपको लेबर कार्ड के डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं लगाना पड़े। यहाँ पर तो मानव केजरीवाल आए थे और हम लोग को ठग के, इस तरह से इन लोगों को ठग के चले गए। एक तरफ से गौशाला की तरफ से खाना बांटा जा रहा था, एक तरफ से इन लोग को ठग के चला गया और 250-250 रुपया लिया गया इन लोग से। अब हम लोग हर कोशिश करके थक गए उनसे संपर्क करने की, जहाँ तक कुछ नहीं हो पाया। तो अब हम लोग इन लोगों को लेकर के थाना पर जाएंगे और वहाँ पर से हम लोग गाली गलौज करने लगा। भागो हरिजन, सब लेबर मजदूर बना है, सब 250-250 रुपया हम सब दिए, सब मिल के बोला क्या लेबर कार्ड बनाइए, 55,000 रुपया सरकार देगा। तो हम बोले कि ठीक है, बना लेते हैं, चौका बर्तन करते हैं। तो बोला क्या कि पैसा जो मिलेगा सरकार तरफ से। कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षा का आयोजन कराने वाले विश्वविद्यालयों में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि TMBU प्रशासन ने विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पहल शुरू कर दी है। बुधवार से विश्वविद्यालय स्थित PNA साइंस कॉलेज में BCA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन लिए गए कंप्यूटर फंडामेंटल की परीक्षा में 330 परीक्षार्थी शामिल हुए। मालूम हो कि BCA की परीक्षा में कुल 340 परीक्षार्थियों के लिए PNA साइंस कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं पहले दिन शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के पहले दिन TMBU के कुलपति डॉ. अजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही कुलपति ने परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में हो रहे परीक्षा का जायजा लिया। कुलपति ने परीक्षा की व्यवस्था को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और परीक्षा समन्वयक डॉ. अशोक ठाकुर एवं परीक्षा नियंत्रक से परीक्षा के आयोजन को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी ली। वहीं इस दौरान COVID-19 को लेकर राज्य सरकार के सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया। एक बेंच पर केवल 2 ही परीक्षार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई, जबकि सभी को मास्क लगाना अनिवार्य था। निरीक्षण के क्रम में कुलपति के साथ परीक्षा समन्वयक एवं साइंस डीन डॉक्टर अशोक ठाकुर, FA पद्मकांत झा, रजिस्ट्रार कर्नल AK सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण सिंह, केंद्राधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम, प्राचार्य पारस कुमार मनी समेत कई पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत PNA साइंस कॉलेज में आज BCA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। आज पहला दिन है परीक्षा का।
बिहार का यह PMBU बिहार का संभवतः पहला विश्वविद्यालय बना है जो COVID-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो COVID-19 को लेकर के राज्य सरकार का और स्थानीय जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसको पूरा करते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने परीक्षा का आयोजन किया है। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत कझिया गांव में एक महिला से दो बदमाशों ने झांसा देकर जेवर लूट लिया। महिला द्वारा शोर मचाने के बाद चार बदमाशों में से दो को ग्रामीणों ने बाइक से खदेड़ कर पकड़ लिया जबकि दो बदमाश फरार हो गया। दरअसल बुधवार को कझिया गांव की रिंकू देवी घर में अकेली थी, तभी बाइक सवार बदमाश बर्तन और जेवर साफ करने का पाउडर बेचने आए लेकिन घर में अकेले होने के कारण महिला ने पाउडर लेने से इनकार कर दिया। तभी बदमाशों की नजर महिला के कान की बाली पर पड़ी और पाउडर की सच्चाई दिखाने के नाम पर ताबा या कासे का बर्तन मांगा और साफ भी कर दिया। इसके बाद महिला के कान की बाली साफ करने के नाम पर लेकर साफ करने लगा। इसी दौरान चोरों ने गर्म पानी एवं बर्तन की मांग की। जैसे ही महिला बर्तन और पानी लाने गई दोनों बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। फिलहाल मधुसूदनपुर पुलिस पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में अस्थायी COVID-19 केंद्र की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा शुरू किए गए कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान DM ने कहा कि स्टेशन पर कोविड केंद्र खुलने से अब स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्टेशन पर आवागमन करने वाले यात्रियों और रेल कर्मियों की जाँच सुलभ होगी जिससे समय रहते कोरोना के खतरे से बचाव संभव हो सकेगा। DM ने कहा कि कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। साथ ही कहा कि इस भयानक महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने की जरूरत है। मौके पर स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, फैजान अशरफी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार समेत कई रेल कर्मी मौजूद थे। व्यवस्था की शुरुआत एकदम बेहतर तरीके से हम मानेंगे कि हम सिम्प्टोमेटिक केसेस की पहचान करने में सफल रहे हैं और जितना हम सिम्प्टोमेटिक केस की पहचान करके उनको आइसोलेट करेंगे इस कोरोना को रोकने में। पुलिस जिला नवगछिया में रंगराज चौक के समीप NH 31 पर बाइक सवार दो लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला। दुर्घटना में बाइक चालक की मौत मौके पर ही हो गई जबकि बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र निवासी घनश्याम सिंह के 23 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रंगरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए रंगरा PHC में भर्ती करवाया। घटना को लेकर बताया गया कि मृतक अभिषेक अपने पिता का इकलौता पुत्र था। वह ननिहाल से अपने दोस्त नंदलाल मंडल के साथ ढड़रा गुजरा स्थित अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रंगरा चौक के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद लाश को रंगरा पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। इधर अपने इकलौते पुत्र की दुर्घटना में मौत के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर के बैजानी पंचायत स्थित होली फैमिली स्कूल में विद्यार्थियों के अभिभावकों ने नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल के नेतृत्व में मिलकर स्कूल की फीस माफ करने के लिए स्कूल प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान अभिभावकों ने हंगामा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में स्कूल बंद रहने के बावजूद स्कूल प्रशासन की ओर से फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में आर्थिक समस्या से जूझ रहे अभिभावकों के लिए स्कूल फीस देना एक चुनौती बन गई है जिसका विरोध करते हुए अभिभावकों ने कम से कम 6 महीने की फीस माफ करने की मांग की है। मौके पर कृष्णानंद पांडे, वरुण पांडे, संजय पांडे, राजीव कुमार झा, विनय कुमार झा, गौतम कुमार सहित कई अभिभावक मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ सर्वदलीय समिति ने अनुमंडल परिसर कहलगांव में बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया। बता दें कि कहलगांव अनुमंडल में कुछ महीने से बिजली आपूर्ति की स्थिति काफी दयनीय है, जिससे कहलगांव शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। प्रदर्शन कर रहे सर्वदलीय समिति के सदस्यों ने बताया कि बिजली की आपूर्ति के लिए 14 वर्ष पूर्व हुए उग्र आंदोलन के गोलीकांड में कहलगांव के 4 व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था। शहर में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए धरना के माध्यम से विभाग को सचेत किया जा रहा है। लोगों ने बिजली विभाग को 10 दिनों के अंदर बिजली आपूर्ति में सुधार करने की मांग की है। जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है।
धरना में समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार राणा, प्रखंड प्रमुख नूतन देवी, नितिन कुमार, पवन भारती, संजीव कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष मौजूद थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग जनों के बीच उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग की सहायक निदेशक अनु कुमारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के आपदा प्रभारी मनोज कुमार पांडे, अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी मानव कुमार एवं रेड क्रॉस की सह प्रभारी संगीता कुमारी ने जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए 45 दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल, बैसाखी एवं अन्य उपकरण का वितरण किया। इस दौरान दिव्यांगजनों की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे जिलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सके और सभी मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें, इसीलिए रैली में जिले भर के दिव्यांग जनों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही डीएम ने अधिकारियों के साथ सभी दिव्यांग जनों को मतदान करने और दूसरों को जागरूक करने की शपथ दिलाई, जबकि एसडीओ अनु कुमारी ने पौधा देकर दिव्यांग जनों को सम्मानित किया और अपने अपने क्षेत्रों में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की। मौके पर रेड क्रॉस एवं दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कर्मी समेत अधिकारी और कई दिव्यांग जन मौजूद थे। देखिए, विधानसभा जो आसन्न विधानसभा चुनाव है उसमें बूथों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है और लगभग इस ज़िले में 2100 बूथ हैं जो बढ़कर के करीब 3200 बूथ हो गए हैं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या में कर्मियों को लगाने की आवश्यकता होगी। लेकिन कर्मियों की संख्या इस ज़िले में पर्याप्त है और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों को भी हम लोग निर्वाचन कार्य में संलग्न करेंगे। इसके अतिरिक्त सामान्यतः महिला कर्मियों की कम ड्यूटी लगाई जाती थी, इस बार महिला कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और ड्यूटी उनकी भी लगाई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों का सिंबल बदल दिया है। चुनाव आयोग ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को अब कैंची चुनाव चिन्ह जारी किया है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कढ़ाई का सिंबल दिया गया है। बता दें कि पहले जन अधिकार पार्टी का चुनावी सिंबल हॉकी था। वहीं चुनाव चिन्ह को लेकर बुधवार को भागलपुर में जन अधिकार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नए चुनाव चिन्ह को राजनीति का हिस्सा बताया। प्रेस वार्ता में जाप के प्रदेश सचिव सैयद रागी हसन ने कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों के पर कतर देगी। जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि कैंची बिहार की जनता का अपना चुनाव चिन्ह हो। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जपर मुस्तफा ने कहा कि कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय है। साथ ही मौलाना मुस्तफा ने बताया कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के वाहक बनेंगे। चुनाव आयोग ने जो एकाएक जन अधिकार पार्टी लॉ का चुनाव चिन्ह चेंज कर दिया है और उसको कैंची छाप कर दिया है, और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि अब जो भी जन अधिकार पार्टी के वोटर हैं वोट दें, वो कैंची छाप को मान के चलें। कैंची छाप को वोट देना है और इसी कैंची से भ्रष्टाचार को कुचल देना है, काट देना। इस वक्त जो जन अधिकार पार्टी का जो चुनाव चिन्ह को जो बदल दिया गया है, तो असल बात यह है कि इस वक्त भाजपा और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, ये पप्पू यादव और जन अधिकार के बढ़ते कदम और उनकी जो मकबूलियत है उसमें जो दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, और ख़ास करके बिहार के जो यूथ हैं, युवा जो उनसे बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं, तो इन सब से ये भाजपा गवर्नमेंट और नीतीश कुमार जो है ये सिर्फ परेशान नहीं है, घबराई भी नहीं, बल्कि बौखला गई है। सरकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितता को लेकर भागलपुर गोराडी के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने गांधी युवा मंच के नेतृत्व में मोहनपुर गांव से पुरानी प्रखंड कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान सरकार एवं अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने जल नल योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोहनपुर से नदिया मोड़ तक हुए सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी के साथ जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र एवं दाखिल खारिज में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसकी अविलंब जांच कराई जाए। इस दौरान गोराडी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर गांधी युवा मंच के अध्यक्ष मनोज यादव, सचिव अजय कुमार चौधरी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हम लोगों ने जो है एक दिन पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को गौराडी प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, सात निश्चय योजना, हर घर नल जल योजना, आवास योजना, जाति आवासीय आय में अवैध वसूली, मनरेगा आदि विभिन्न छह कल्याणकारी मुद्दों को लेकर सरकार योजना तो देती है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह जो है भारत है, गांधी के सपनों का भारत है। गांधी ने जो सपना देखा था, गांधी ने जो सपना सजाया था, अंतिम व्यक्ति का विकास, अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा, अंतिम व्यक्ति को चिकित्सा, अंतिम व्यक्ति को रोटी, अंतिम व्यक्ति को रोजगार,
उसी के निमित्त हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो पुलिस जिला नवगछिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 और 13 में पिछले एक माह से हुआ जल जमाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोग नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन देकर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले एक महीने से नाले का पानी सड़क पर आ गया है और लंबे समय से जल जमाव के कारण इलाके में लोग डेंगू जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं आक्रोशित लोगों ने कहा कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन कर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी और प्रथम चरण में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर भोला कुमार, गजेंद्र प्रसाद साह, मनीष कुमार, दीपक कुमार, अभिषेक मुस्कान सहित कई लोगों ने जल जमाव से छुटकारा दिलाने की मांग की। इधर आवेदन पर नगर पंचायत कार्यालय लिपिक आलोक कुमार ने मामला पदाधिकारियों के संज्ञान में दे देने की बात कही है। यहाँ की जो स्थिति है, मैं आज से 1.5 वर्ष पहले जब ये यहाँ पर सड़क और नाले का निर्माण हो रहा था, उसी समय यहाँ के कई पिछड़ा समाज, गरीब परिवार जिनका खपरे का फूस का घर है इस तरफ, और सड़क से उनका घर नीचे हो रहा था, तो उसी समय मैंने कहा था कि भाई आप लोग कोई आवेदन लिख के दीजिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश पारित है कि किसी भी जगह यदि सड़क बनता है तो वहाँ की आबादी का जो निवास कर रही है उस घर से ऊँचा नहीं होना चाहिए, ताकि उसके घर में पानी नहीं जाए, वर्षा का हो या नाले का हो। लेकिन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके यहाँ पर योजना में काम किया, सड़क बनाया, नाला बनवाया, और यदि बन भी गया तो जनपयोगी नहीं हुआ। भागलपुर के गोराडी प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय में गोराडी वीडियो संजय सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर CDPO शगुप्ता यास्मीन ने बताया कि परामर्श केंद्र का मुख्य उद्देश्य पोषण के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना है, जिसमें सुनहरे शिशु के 1000 दिन, एनेमिया से बचाव, डायरिया से बचाव, स्वच्छता एवं हैंड वॉश और पौष्टिक आहार के बारे में बारीकी से बताया जाता है। मौके पर महिला पर्यवेक्षक ममता कुमारी, गीता देवी, सीमा परवीन, नवनीत कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। ये पोषण सप्ताह जन जागरूकता अभियान है जो 1 तारीख से 30 तारीख तक मनाया जाना है। इसको आज हम लोग पोषण सलाह ये स्टॉल लगाए हैं, जिसमें जो सबको सब चीज की जानकारी दे रही है। अब अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेबर कार्ड बनवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला आया सामने, ठगी के शिकार लोगों ने थाना में दिया आवेदन। कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षा आयोजित करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना TMBU, कुलपति ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। नाथनगर में आभूषण साफ करने के बहाने महिला से जेवरात लेकर फरार हुआ बदमाश, 2 गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन परिसर में कोविड केंद्र का हुआ शुभारंभ, DM ने कहा आवागमन करने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। और जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।